अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर फॉर क्लास 5 फ्रॉम लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4C। एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। फ्रैक्शन जो आपको गिवन है इसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, और डिनोमिनेटर जो है आपको 100 लेकर आना है। किसी तरह भी अपने डिनोमिनेटर को 100 बनाना, और डिनोमिनेटर चेंज करना मैंने आपको बताया कि किस तरह करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है और डिनोमिनेटर जो है आपका वो 100 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7/10 डिनोमिनेटर 100 बनाए तो हम क्या करेंगे, मेकिंग द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 100 लिखेंगे यहाँ पर, मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 100। हंड्रेड बनाना है आपने, और मैंने आपको बताया कि हम 100 के डिनोमिनेटर को 100 के 10 को हम 100 किस तरह बनाएंगे, 10 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बन जाए। तो 10 का टेबल हम अगर हम पढ़ें तो 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से 100 होता है। 10 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, डिनोमिनेटर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 7 10 70, 10 10 100, डिनोमिनेटर आपका 100 आ गया। आपने डिनोमिनेटर ही 100 बनाना था, इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स आप तो खुद करेंगे। 9/10 है, इसे भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/5 है, 5 को आप 100 किस तरह बनाएंगे, 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 बन जाए। तो आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 1/5 इसे भी आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11/25, 25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस दिस एज फ्रैक्शन ऑफ 100। एक्सप्रेस दिस एज फ्रैक्शन ऑफ 100 राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेज वेयर नेसेसरी। अच्छा, क्वेश्चन आपको गिवन है 4/7 मल्टीप्लाई करना है 100 से, और उसके बाद आपने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, और डेसिमल प्लेस जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक आपने इसका आंसर लेके आना है। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको करवाती हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 4/7 ऑफ 100। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 4/7 ऑफ को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, ऑफ लिखें या मल्टीप्लाई कर लिखें एक ही बात है। फ्रैक्शन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, क्या लगाएंगे, डिनोमिनेटर शो करेंगे। जिस नंबर का हमें डिनोमिनेटर गिवन होता है उसका डिनोमिनेटर हमेशा हमारा 1 होता है। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 4 100 4 4 मल्टीप्लाई बाय 100 400 7 1 7। अब क्या करना है, आपके पास कॉमन फ्रैक्शन आ गया, इस कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, और डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो है 2 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। मतलब आप रफ का कॉलम बनाएंगे, 400 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 5 ज़ा 35, 40 में से 35 माइनस किया आपके पास आया 5 एंड 0, एज इट इज़ आ गया आपका। 7 का टेबल इतना पढ़ना है कि 50 आ जाए, 7 7 ज़ा 49, आपके पास आया 1, रिमाइंडर आपके बचा है 1, डेसिमल लगा के हमने 0 लिया क्योंकि हमें डेसिमल में आंसर लेकर आना है। 10 7 1 ज़ा 7, 10 में से 3 माइनस, 10 में 7 माइनस किया आया हमारे पास रिमाइंडर 3। अब क्या करना है, इसी डेसिमल से एक और 0 लेंगे, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर आपके पास आया 2। हमें आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेस चाहिए था, हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस आंसर आ गया, रिमाइंडर में से छोड़ देंगे, हमारे पास आंसर जो आया इस आंसर शो करेंगे 57.14, इट्स योर आंसर 57.14, इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स भी इसी तरीके से होंगे, बी सी एंड डी आपने इस तरह ही करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करना है, 2 डेसिमल प्लेस आपका आंसर होना चाहिए। नंबर क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100 या फिर आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 या फिर अपॉन 100, मतलब डिनोमिनेटर आपने सिंपल 100 बनाना है। राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, और परसेंटेज का सिंबल भी आपको पता होगा कि इस तरह होता है कुछ, आप एग्जाम्स में आपने देखा होगा, आपके मार्क्स आते हैं, आप सबसे पहले आपसे क्या पूछता था, आपकी परसेंटेज का, ये मतलब अगर आपके पास, अगर आपके टोटल मार्क्स 700 हैं तो उसमें आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए, 80% है, 90% है, कितने परसेंट आपने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, 7/10
क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए है आपका 7/10, इसे आपने परसेंटेज में चेंज किया। परसेंटेज का मैंने पहले ही आपको बताया था, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, मतलब 7/10 है इसको तो पहले आपको 100 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ लिखेंगे मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 100। डिनोमिनेटर जो है वो आपने 100 के इक्वल बनाना है, तो 7/10 को आप 100 के इक्वल किस तरह करेंगे, 10 को इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बन जाए, 10 × 10 = 100। जब आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 × 10 = 70, 10 × 10 = 100। 7/100 को हम परसेंटेज में किस तरह लिखेंगे, 7/100 मतलब ये कितना परसेंट है, 70%। इट्स योर आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर, 99/100 है यहाँ पर, आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 है, तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 99%। 50 upon 30 upon 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, जब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से, 30 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर जाएगा 60/100। जब 60/100 आएगा तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, वो 60%। 8/10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 = 100, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80, तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 80/100। जब 80/100 फ्रैक्शन बनेगा तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 80%। 3.5 एंड 5 लास्ट है आपका 8/25, आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट ईच परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज में आपको गिवन है, इसे फ्रैक्शन में लिखना है। रिड्यूस 8 टू इट्स लोएस्ट टर्म वर पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो आप उसे लोएस्ट टर्म में भी लेके जा सकते हैं। 30% का मतलब क्या है, 30/100, 90 का मतलब होगा 90/100, 80% का मतलब होगा 80/100, 18% का मतलब होगा 18/100। अब आपको कहा हुआ है कि परसेंटेज में आपको गिवन है, इससे पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद अगर वो लोएस्ट टर्म में जा सकते हो तो आप उसे लोएस्ट टर्म में लेके जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके एक ही मेथड से होंगे, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर आपके पास 100 नहीं है तो आपको 100 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 6 और 7, इसलिए मैंने सिर्फ 6 करवाया है, 6 और 7 दोनों सेम थे, मैंने एक ही करवा दिया है, सारे मैंने नहीं करवाए हैं। 6 का ए पार्ट करवा दिया, बी भी, 7 भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है 30% किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन ऐसे उतारेंगे, 30% ये क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, 30 मतलब 30/100। अब आपसे कहा जा रहा है इसे आपने फ्रैक्शन में तो चेंज कर लिया, अगर ये लोएस्ट टर्म में जाए तो आप इसे लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 15 = 30, 2 × 50 = 50, 15/50, 5 के टेबल से कैंसिल हो सकता है ये, 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 30, तो आपका आंसर आया 3/10, लोएस्ट टर्म हो गई, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी पार्ट्स भी आप लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। 45% है, 45% का मतलब 45/100, 45/100 को आप डिवाइड कर लेंगे 5 से तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर नाइन इज चेंज इज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जो फ्रैक्शन आपको गिवन है इसे परसेंटेज में चेंज करना है। राउंडिंग ऑफ योर आंसर 2 decimal places वर नेसेसरी, और आपका जो आंसर आए उसे आपने क्या करना है, 2 decimal places में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, मतलब डेसिमल में आपका आंसर आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आपने क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज का आंसर जो है वो आपका 2 decimal places आना चाहिए, मतलब परसेंटेज आपकी डेसिमल में आएगी और 2 decimal places आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, आंसर आपको गिवन है क्वेश्चन आपको गिवन है 2/7 of 100, 2/7 of 100 का मतलब 2/7 of का मतलब होता है मल्टीप्लाई 100। फ्रैक्शन कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर क्या शो करेंगे 1, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, 100 × 2 = 200, 7 × 1 = 7, कॉमन फ्रैक्शन आ गया, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, 200 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 × 2 = 14, 60। ठीक है, 7 × 8 = 56,
आपके पास बाइंडर बचा 4, 4 7 की टाइम मैंने आया था, डेसिमल लगा के ज़ीरो लेंगे, 7 5 ज़ा 35, 5 रिमाइंडर, इसी डेसिमल से हमने एक और ज़ीरो लिया, 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर बचा 1, आपको आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेस आया था, तो 2 डेसिमल प्लेस ही चाहिए था, तो आपका आंसर है 28.57 परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, बाकी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, ये आप लोग खुद करेंगे, बी सी डी ई एफ आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10,